कि आप ड्रग्स करते हैं, ऑब्वियसली कौन बंदा ऐसा है कि हाँ भैया मैं ड्रग्स करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा 2020 की शुरुआत के बारे में। जब 2020 की शुरुआत हुई तो मैंने भी सोचा था कि मैं ट्रैवल करूंगा, मतलब जगह देखूंगा, घूमूंगा, फिरूंगा वगैरह वगैरह। तो हमने ऊपर से उतरने की कोशिश की। मैंने भी अपने जंग खाते पासपोर्ट को उठाया और उसके बाद निकल पड़ा एक ऐसी ख्वाबों की दुनिया में जहाँ एक तो दूर भी था और मुश्किल भी था। हर दिन मैं न्यूयॉर्क की गलियों के बारे में सोचता था, हर दिन मैं सोचता था कि मैं लॉस एंजलिस के सड़कों पे चलूँगा, हर दिन मैं सोचता था कि मैं हडसन नदी के किनारे खड़ा होके फ़ोटो खींचूँगा, और हर दिन मैं सोचता था कि मैं अमेरिका में ब्लॉग बनाऊँगा। इसलिए मैंने पिछले साल वीडियो नहीं बनाए, क्योंकि आई हैड अ प्लान दिस ईयर टू गो आउटसाइड कंट्री टू एक्सप्लोर एज मच एज पॉसिबल। ये मेरा अपना प्लान था इस साल का, बट थैंक्स टू गॉड व्हाटसो एवर रीजन, जो भी है वट एवर, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। मैं गया नहीं, मैं घर में रहा, तो रीजंस आपको पता ही हैं, बीमारी वगैरह वो सब ये सब। एंड ख्वाब भी ख्वाब की ही जगह रह गया। हाँ जी, तो वेलकम बैक। तो अभी जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है कपल ऑफ मंथ से को मैंने यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, B1, दैट इज़ टूरिस्ट वीज़ा, मतलब विजिट वीज़ा। नॉर्मली कुछ महीने का, 6 महीने का मिलता है, कई कई लोगों को बहुत टाइम तक भी मिलता है। तो मैंने इस टॉपिक को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू माई एक्सपीरियंस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी आपका आगे जाने का प्लान हो तो यू कैन अप्लाई दोज थिंग्स। आई हैव डिवाइडेड दिस थिंग इन चार पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि B1 वीज़ा मैंने अप्लाई किया था, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ के कॉन्सुलेट के मेम्बर्स जो वहाँ पर इंटरव्यू करते हैं उनके बारे में बताऊंगा। तीसरी बात जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे जाना है वहाँ पे, प्रेजेंटेबल वगैरह, आउटफिट वगैरह, वो सब ये सब। और फिर चौथी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि मतलब क्या क्या सवाल उनने मुझसे पूछे, उसमें से एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नॉर्मली वो किसी से भी पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछते हैं नॉर्मली। तो आई होप कि ये आपको थोड़ा गाइड करेगा, मे बी इन द नियर फ्यूचर यू माइट प्लान टू गो टू US और समवेयर, मतलब कहीं पे भी अगर आप जाना चाहें तो थोड़ा बहुत आपको गाइडेंस मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा वहाँ के कॉन्सुलेट के मेंबर्स के बारे में। मैंने वहाँ पे कॉन्सुलेट में देखे ज़्यादातर फीमेल्स हैं, लाइक वहाँ पे दो या तीन लोग ऐसे थे जो मेल्स थे, बाकी सब फीमेल थे। इनफैक्ट मेरी जो इंटरव्यू करने वाली भी थी वो भी एक मोहतरमा ही थी। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, सबके सब मूड में होते हैं जो मैंने देखा, मुझे नहीं पता, बट एक मतलब मेल स्टाफ था, ही वॉज स्माइलिंग, मतलब नॉर्मल स्माइलिंग फेस था, तो थोड़ा बहुत ना राहत मिलती है। तो बाकी सारे मतलब इतनी एनजाइटी होती है सबके दिमागों पे, और बहुत ज़्यादा एनजाइटी, मतलब हद से ज़्यादा, सब ऐसे बहुत डरे डरे से होते हैं कि पता नहीं क्या पूछेंगे वो। एनजाइटी लेने की ज़रूरत नहीं है, बस जो है सो है, मतलब आपको सच सच बोलना है वहाँ पे ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी है, और वहाँ पे अपने आंसर्स को ब्रीफ रखें, ज़्यादा बड़े भी लंबा चौड़ा पूरी स्टोरी ना सुनाएं, उनके पास कम टाइम होता है, वो चीज़ भी ख्याल रखें। वो वहाँ पे नॉर्मल एम्प्लॉयज़ नहीं होते जैसे हमारे यहाँ दफ्तरों में होते हैं, वो बहुत ही दिमागदार लोग होते हैं, वो क्रीम ऑफ द सोसाइटी होते हैं, पता नहीं जो भी है, मतलब ज़बरदस्त लोग होते हैं, ब्रेनी लोग होते हैं। मतलब वो कॉन्सुलेट में नॉर्मल जैसे एम्प्लॉयज़ होते हैं वैसे नहीं होते, वो हमारी हर एक हरकत को देखते हैं, सवाल पूछते हैं तो हमारे मुंह को भी देखते हैं, हमारे मोशंस को भी देखते हैं, हम इधर उधर है क्या कर रहे हैं, खड़े हैं, हिल डुल रहे हैं, मतलब सब चीज़ को वो नोटिस करते हैं।
जब वो क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारे रिएक्शन को देखते हैं, हम कैसा रिएक्ट करेंगे, मतलब एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से देखते हैं। तो बहुत ही खतरनाक लोग हैं वो, मतलब बहुत ज़बरदस्त लोग, तो काफ़ी महारत होती है उनके अंदर। मतलब बहुत टाइम से इतने सारे लोगों का इंटरव्यू किया होता है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, उनको पहले से पता होता है। और वो जो तो तुम्हारे पैसे होते हैं जो तुम फी के टाइम पे भरते हो, वो सारा वो पैसा अपनी कंट्री को नहीं देते, वो सब यही कंफर्म करने में लगे होते हैं कि कहाँ से इसके कनेक्शंस है। आपके फेसबुक को देखते हैं, आपके इंस्टा को देखते हैं, आपको सोशल्स को देखते हैं, आपके वर्क प्लेस में भी जा सकते हैं वो, या कॉल कर सकते हैं, आपके बारे में पूछ सकते हैं। तो ये वहाँ का प्रोफाइल है, ये एक पॉइंट है वहाँ कॉन्सुलेट के मेंबर्स के बारे में, जो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे बिल्कुल झूठ फरेब नहीं चलेगा, बिल्कुल साफ जो है वो बात बताओ, जो रीज़न है जाने का, मतलब अप्लाई करने का, वो रीज़न आप बता दो, और अपनी पर्सनल जो भी मतलब चीज़ें हैं, पर्सनल बायो जो भी है आपने दिया है, वो आपको सच सच बताना है, कुछ भी मैनिपुलेट करने की, बेवकूफ़ बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ वहाँ पे मैंने देखी कि लोग मतलब अजीब तरह से मतलब क्या बताऊँ मैं, इतने फनी फनी फेसेस बना के आते हैं ना, मतलब आधे मतलब क्या बताऊँ मैं आपको। चलो सेकंड पॉइंट पे चलते हैं कि आउटफिट, लोग वहाँ पे माय गॉड मतलब ऐसा मतलब चमचमाते हुए कपड़े पहन के आएंगे, या फिर सूट पैंट पहन के आएंगे, मतलब जैसे शादियों में जाते हैं वैसे आएंगे, परफ्यूम इतना छिड़केंगे कि मतलब दूसरा बंदा भी जो साइड में कैंडिडेट आया होता है वो भी इरिटेट हो जाता है इस वजह से। तो मतलब इतनी अजीब अजीब हरकतें करके लोग आते हैं कि मतलब सीधे नॉर्मली भी कोई इंसान भी इसे इरिटेट हो जाता है ना, वो दूर से बताएगा कि नहीं यार इसको यहाँ से हटा दो। तो वैसी बात हो जाती है कि मतलब अगर आपका आउटफिट का मैं बताऊंगा, वैसा कुछ तूफानी है नहीं कि बस नॉर्मली शर्ट पहन के जाएँ और जीन्स पहन के जाएँ, नॉर्मली शूज़ पहन के जाएँ, जैसे मतलब आम शूज़, मतलब ज़्यादा इंसान ना वो पॉप अप ना हो जाए पूरे क्राउड में कि ये चमचमाते हुए या सूट पैंट पहन के पूरे रेजर मार के आया है। मतलब सिंपल जाओ, ऐसे वैसे कैप वैप पहन के मत जाओ, सिंपल जाओ, थोड़ा बाल बाल बना के जाओ, परफ्यूम लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर लगा भी लिया तो बहुत ही हल्का लगाएं, बस दैट इज़ ऑल। दिस इज़ अबाउट द आउटफिट विच यू रिक्वायर व्हेन यू गो टू एनी कॉन्सुलेट, एनी कॉन्सुलेट। तो इसके बाद आते हैं मेरे सवालों की तरफ, हाय हाय मत पूछो मेरे सवालों की तरफ, क्योंकि उसमें से कुछ सवाल ऐसे हैं जो नॉर्मली वो लोगों से पूछते हैं, और कुछ सवाल ऐसे हैं कि जिन्होंने मेरा जो वीज़ा मिलने का डिसाइड किया। सबसे पहले वहाँ पे क्या होता है कि आपने अपना पासपोर्ट देना होता है, ढक्कन उठाया डाल दिया, ढक्कन नीचे, उसके बाद वो ढक्कन उठाएगी निकालेगी। सबसे पहला सवाल मैं बताऊंगा आपको, उन्होंने मुझसे पहला सवाल ये पूछा जो नॉर्मली सबसे पूछते हैं, वाई आर यू गोइंग टू यूनाइटेड स्टेट्स। मैंने सिंपली जवाब दिया कि माई सिस्टर इज़ देयर, सो आई एम गोइंग टू विजिट देम, दैट इज़ ऑल। तो दूसरा सवाल उन्होंने मुझसे पूछा वेयर, मैंने बोला कैलिफोर्निया, तो स्माइल करके मैंने बोल दिया, पर उसकी नज़र मेरी हर एक मतलब जो भी मैं बोल रहा था बिल्कुल कंटिन्यू नज़र थी कि क्या बोल रहा है वगैरह वगैरह, इसकी हरकतें ऐसे ऐसे रिएक्ट कैसे कर रहा है। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, दूसरा सवाल ये पूछा कि भाई व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, तुम क्या करते हो। जब मैंने उसे बोला कि आई एम इन मेडिकल प्रोफेशन, मैम आई एम इन मेडिकल प्रोफेशन, आई एम वर्किंग इन हॉस्पिटल इन दिल्ली, तो उसके ये जो है ना ऊपर गए, ये मैंने नोटिस किया। उसके ऊपर क्यों गए, क्योंकि मुझे लगता है, मतलब ये मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं पता, उसके इसलिए ये ऊपर गए क्योंकि ज़्यादातर जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो यूएस जाते हैं, तो मुझे लगता है कि उसने सोचा होगा मे बी जॉब करने जाए या कुछ ऐसा, या कुछ मतलब ऐसा देखने के लिए जाए कि मतलब कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह वगैरह वो सब ये सब। तो ये मेरा दूसरा सवाल था, और तीसरा सवाल ये पूछा कि व्हाट इज़ योर मंथली इनकम। तो मेरे पास डॉक्यूमेंट थे तो मैंने आई थिंक मैंने दिखाया था, हाँ शायद तो मैंने बताया कि दिखाया, मुझे याद नहीं है। तो उस पर भी उसने कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया, ओके दैट इज़ फाइन। तो उसके बाद चौथा सवाल और पांचवा सवाल ऐसे सवाल हैं कि जिनको मतलब सुन के पूरा
डिसाइड हो गया कि भैया इसको देना है कि नहीं देना। चौथा सवाल उन्होंने ये पूछा मुझसे कि आर यू मैरिड, तो मैंने बोला नो आई एम नॉट, तो बोला ओके। पांचवा सवाल, हैव यू बीन आउट ऑफ कंट्री बिफोर, आउट ऑफ इंडिया बिफोर, तो जब मैंने नो बोला तो गो, तो उसने ऐसे मेरा पासपोर्ट उठाया, उसमें पेपर डाल दिया, पैम्फलेट, और जाओ भैया ये रहा, ढक्कन उठाया डाल दिया। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस वहाँ का। जो B1 वीज़ा का जो फी है वो $160 है, तो वो आपको भरना होता है ऑनलाइन थ्रू एक्सिस बैंक, कुछ ऐसा ही है, मुझे याद नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आपको B1 वीज़ा अप्लाई करने के लिए बहुत सारी डिटेल्स देनी पड़ती है, मतलब DS फॉर्म एक फिल करना होता है, वो इतना लंबा फॉर्म होता है, इट टुक मी अराउंड 2-3 आवर्स, मुझे पता है, मुझे याद है, 2-3 घंटे लगे थे वो भरने में, काफ़ी लंबा चौड़ा मतलब वो है। और उसमें ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी है कि जो आप सीधे बोलेंगे कि नहीं मैं ये नहीं कर रहा, मतलब आपको लिखा हुआ है कि आप कभी मतलब क्या आप ड्रग्स करते हैं, ऑब्वियसली कौन बंदा ऐसा है कि हाँ भैया मैं ड्रग्स करता हूँ, ऐसे ऐसे अजीब गरीब सवाल पूछते हैं वो, तो वो चीज़ें मतलब वो फॉर्म आपको फिल करना होता है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है वहाँ जाने पे, मतलब जब मैंने फॉर्म सबमिट किया, मैंने फ़ी भरा, तो मैंने पहले ही नियत की थी कि या अल्लाह अगर मुझे मिलेगा वीज़ा तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बस उनके ऊपर छोड़ दिया था कि भाई जो होगा उसमें खैर डाले, बरकत डाले, जो भी होगा सर आँखों पर, दैट इज़ ऑल। तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ। देखो आज क्या हालत है यहाँ पे, पूरी मतलब बेकार है सब कुछ, इतनी हालत ख़राब होते, मतलब मैं यहाँ मैं वहाँ होता, मेरे फैमिली यहाँ पे होती तो कितनी दिक्कत होती, मेरे पेरेंट्स को बाहर निकलना पड़ता चीज़ लाने के लिए, वो सब ये सब वगैरह वगैरह जो भी है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस इन US एम्बेसी, तो आई होप अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस मिला होगा कि वहाँ पे कैसे लोग होते हैं, कैसे हमें जवाब देना होता है, किसी भी एम्बेसी में, मतलब ये सिर्फ US एम्बेसी की बात नहीं, किसी भी एम्बेसी में ऐसा ही होता है। वो सारे बंदे जो होते हैं वहाँ पे वो बहुत ही वो होते हैं, जहीन बंदे होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सलाम वालेकुम। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप।